दो दिल मिल रहे हैं मगर छुपके छुपके। जी हाँ, ये लाइंस आलिया भट्ट के लिए है, क्योंकि वो अपने पुराने आशिक सिद्धार्थ मल्होत्रा के पास लौट रही है। उनका दिल सिद्धार्थ के लिए फिर गार्डन गार्डन हो रहा है। सबूत है दोनों का फ्रेश फ्रेश ट्विटर कॉन्वर्सेशन। आलिया की नई फिल्म कलंक के टीजर ने धमाका मचा रखा है। फैंस आलिया की तारीफ करते नहीं थक रहे। चलिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट रहा आलिया के एक्स लवर सिद्धार्थ मल्होत्रा का। सिद्धार्थ ने आलिया की और कलंक टीम की तारीफ की। ट्विटर पर लिखा, वाओ सुपर्ब गाइस, लुकिंग स्पेक्टेकुलर, हैशटैग कलंक टीजर। इस ट्वीट पर फौरन आलिया का रिप्लाई आया। आलिया ने सिड को थैंक यू कहा। वेल, आपको बता दे कि सिड और आलिया एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में थे। आलिया भट्ट से ब्रेकअप के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पहली बार कॉफी विद करण पर दिया था बड़ा बयान। सिद्धार्थ ने बताया कि आलिया से ब्रेकअप के बाद से अब तक उनकी और आलिया की कोई मीटिंग नहीं हुई है। मेरे और आलिया के बीच एक डिस्टेंट रिलेशनशिप है, हमारे बीच कोई कड़वाहट नहीं है, क्योंकि डेटिंग करने से काफी पहले से ही हम एक दूसरे को जानते हैं। मैंने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में अपना पहला शॉट आलिया के साथ ही दिया था, तो हमारे बीच अफेयर से पहले भी काफी कुछ था। हर रिश्ते में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, जिस वजह से कई बार दो लोग साथ न रहने का फैसला लेते हैं। लेकिन जब आप ऐसा फैसला लेते हैं, तब आपको अच्छी और खूबसूरत यादों को ही याद रखना चाहिए। वी हैवंट मेट आफ्टर इट, आवर रिलेशनशिप इज सिविल, आई डोंट थिंक इट्स बिटर, इट्स बीन अ व्हाइल, आई हैव नोन हर फॉर मच लॉन्गर इवन बिफोर वी डेटेड, आई गेव माई फर्स्ट एवर शॉट विथ हर इन स्टूडेंट ऑफ द ईयर, सो देर इज सो मच हिस्ट्री, देर इज अ रीजन वाई टू पीपल डिसाइड नॉट टू बी टूगेदर, देर वर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। When you take yourself from a situation, you look at all the happy and good memories. Siddharth ke statement ke baad Alia ne bhi kuch is tarah se react kiya tha. I have a lot of love and respect for Sid. We started off together in the industry. I have known him for a long time and there's too much history between us. Honestly, there will never be issues. I have nothing but just positivity in my heart for him. I'm sure he wishes the same as well. We have witnessed several milestones of our lives together. He spoke about meeting and chatting and we were fine. There are no bad vibes. इतना ही नहीं, आलिया से जब ये पूछा गया कि क्या वो और सेड अभी भी दोस्त रह सकते हैं या नहीं, तब आलिया ने कहा, Yes, absolutely. Why not? If two individuals can come to terms with whatever has happened and don't keep things in their heart, it's definitely possible. आपको बता दे कि आलिया और सिद्धार्थ साल 2012 में करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। साल 2016 में दोनों की डेटिंग की खबरें भी गर्म थी, लेकिन पिछले साल दोनों का ब्रेकअप हो गया और इसकी बड़ी वजह रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का रिश्ता माना जाता है। ब्रेकअप के बाद भी आलिया और सिद्धार्थ कई इवेंट्स पर एक ही छत के नीचे आते रहते हैं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं किया। लेकिन अब लगता है आलिया सिद्धार्थ से कनेक्ट होना चाहती है। क्या रणबीर कपूर को सिड और आलिया के बीच के ट्विटर कॉन्वर्सेशन की भनक लगी है या नहीं? रणबीर का रिएक्शन मजेदार रहेगा।